हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद माईनसी अभी का जो टॉपिक है मैं लेकर आया हूँ इंडिया टुडे से यहाँ पे बोला है ऋषभ पंत का मृत्यु दर निकट कार एक्सीडेंट उत्तराखंड दिल्ली हाईवे में हुआ उनको हेड और बैक में इंजरीस आए भारत के स्टार विकेट कीपर ऋषभ पंत एक बड़े कार एक्सीडेंट के बाद उनको हॉस्पिटलाइज किया गया जब वो दिल्ली से उत्तराखंड लौट रहे थे उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने इंडिया टुडे से कहा कि पंत बी कार चला रहे थे जहां कार डिवाइडर से टकराया और उसमें आग लग गया और ये हादसा नरसन बॉर्डर में हुआ पंत ने बताया कि जब वो कार चला रहे थे नींद आने की वजह से वो अपना कार से संतुलन खो चुके थे उत्तराखंड के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अनुसार जब उनका एक्सीडेंट हुआ था ऋषभ पंत कार में अकेले थे और कार से बाहर निकलने के लिए उन्होंने एक विंडो को तोड़ा था डॉक्टर्स के अनुसार पंत को फोरहेड और पैर में चोट लगा जैसे ही खबर मिली सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस देहत स्वप्न किशोर सिंह स्पॉट पर पहुंचे सक्षम हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर सुशील नागर ने कहा ऋषभ पंत का कंडीशन अभी स्टेबल है है उनको मैक्स हॉस्पिटल रेफर किया गया है। के अनुसार ऋषभ की कार रेलिंग पर टकराई और आग ने वहां पकड़ लिया बड़ी मुश्किल से आग को नियंत्रण में लाया गया साथ ही साथ ऋषभ पंत जो बुरी तरह से इंजर्ड थे उनको सक्षम हॉस्पिटल में ले जाया गया ये देखो भाई यहाँ गाड़ी में आग लग चुकी है ये बंदा बेचारा कोई एक्सीडेंट हो गया सुबह सुबह की बात है बंद को श्रीलंका सीरीज में नहीं लिया गया उनको श्रीलंका के अगेंस्ट ओडीआई और टी20 के भारतीय स्क्वाड में नहीं रखा गया बीसीसीआई ने प्रेस रिलीज में स्पेसिफाई नहीं किया है कि उनको इंजर्ड रेस्टेड या फिर ड्रॉप किया गया है दिल्ली के विकेटकीपर ने ओडीआई बांग्लादेश के अगेंस्ट नहीं खेला क्योंकि बीसीसीआई ने डिसाइड किया था कि उनके दो टेस्ट सीरीज से पहले उनको रेस्ट दिया जाए तो ये थे एक्सप्लेनेशन अभी तक लेता है अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो मुझे एनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और लास्ट में यही बोलूँगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ जय हिंद जय भारत